हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अब्राहम टेक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे लैपटॉप में जो शिफ्ट प्लस एट द रेट काम नहीं करता है, जिससे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन करके रखा है, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया और एट द रेट प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कोमा वाली आ रही है, ये देखिए ऐसे होने से टू के वाला आ रहा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए कोमा कोमा आ रही है, तो इसे सॉल्व कैसे आप कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है जो हमारे कीबोर्ड का लैंग्वेज सेटिंग में होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्लिक करना है सेटिंग में, आपको क्लिक करना है सेटिंग में। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइंड सेटिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, जस्ट आप यहाँ पर टाइप करें लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे जैसे आप लैंग्वेज टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा एडिट लैंग्वेज एंड कीबोर्ड ऑप्शंस। तो आपको इसमें क्या करना है, क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद में आपको इधर नीचे डाउन में आपको दिखेगा प्रीफर्ड लैंग्वेज, उसके बाद में एड लैंग्वेज है, फिर अभी क्या है यूनाइटेड किंगडम, ये वाला हमारा जो कीबोर्ड लेआउट ये हमारा अभी सिलेक्टेड है। तो जस्ट आपको इसमें एक बार क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको ऑप्शन में क्लिक करना है। ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप चले जाइएगा, लैंग्वेज ऑप्शन इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे आपको डाउन आना है इस तरह से, यहाँ पे आपको दिखेगा एड कीबोर्ड और नीचे में आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो ये हमारा सिलेक्टेड है। तो आपको एड कीबोर्ड में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। एड कीबोर्ड में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको चूज करना है US। तो चलिए यहाँ पे आप नीचे आइए और देखिए US, ये देखिए US, तो मैं इसे चुन लेता हूँ। इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए US को, जस्ट ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट जैसे आप यहाँ पे US को आप ऐड कीजिएगा यहाँ पे एड कीबोर्ड लेआउट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम में यहाँ पे टास्क बार में यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, जस्ट आपको इंग्लिश यू के जो आएगा यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, अभी हमारा जो है UK का है तो अभी हमें US करना है, तो आप इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए इंग्लिश US। तो चलिए हम एक बार चेक करते हैं, नोटपैड में चले जाते हैं, हम शिफ्ट प्लस एट द रेट प्रेस करते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, शिफ्ट प्लस एट द रेट कोई भी वर्ड स्पेस शिफ्ट प्लस एट द रेट, अभी आप देख सकते हैं ये इजीली काम कर रहा है। सो ये मेन प्रॉब्लम हमारा क्या था, ये जो कीबोर्ड का ये लेआउट था ये हमारा क्या था, दूसरा था UK। सो हो सकता है आपका भी इस तरह से चेंज है, तो आप इजीली इसे चेंज करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। जाते जाते सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ अब्राहम टेक।